लाल सागर में हूती का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि अब अमेरिका के युद्धपोत और मालवाहक जहाज हूती का नाम सुनते ही चौकन्ने हो जाते हैं। लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर आसमान से कब हूती की मिसाइल और ड्रोन टूट पड़े किसी को नहीं पता। हूती के इन हमलों ने एक बात तो साबित कर दी है कि लाल सागर में उसे अमेरिका जैसी सुपर पावर तक हरा नहीं सकती, और यही वजह है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश हूती की काट ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक हूती का कोई तोड़ उन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा, और इसी बीच हूती भी लगातार लाल सागर में जहाजों और युद्धपोतों पर दनादन हमले कर रहा है। दरअसल अब हूती ने इसराइल से जुड़े बल्क कैरियर लैक्स के ऊपर 5 मिसाइलें दागी हैं। पहले खबर आई थी कि हूती ने इस जहाज पर एक हमला किया था, लेकिन अब सिक्योरिटी कंपनी LSS SAPU ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हूती ने इसराइल से जुड़े इस जहाज पर 5 मिसाइलें दागी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ये जहाज अनाज से लदा हुआ था और उसके ऊपर हमला उस वक्त हुआ जब ये यमन के बंदरगाह शहर होदेदा से होकर गुजर रहा था। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता याया सारी का भी बयान आया है जिसमें उन्होंने इस हमले की पुष्टि कर दी है। نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية وعلى النحو التالي 3 عمليات عسكرية في البحر الأحمر استهدفت الأولى سفينة لاكس وقد أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير بفضل الله العملية الثانية استهدفت سفينة موريا والعملية الثالثة استهدفت سفينة سيليدي وقد نفذت العمليات الثلاث بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة. वहीं इस हमले को लेकर सिक्योरिटी कंपनी LSS SAPU का कहना है कि जहाज को नुकसान हुआ है। हालांकि जहाज का चालक दल सुरक्षित है, कंपनी का कहना है कि इस जहाज पर 23 क्रू मेंबर थे। इसमें यूक्रेन, फिलिपिनो और मिस्र के सदस्य सुरक्षा बलों के साथ जहाज पर तैनात थे। वहीं LSEG शिपिंग डेटा के मुताबिक 28 मई 2024 को इस जहाज की आखिरी लोकेशन ईरान के बंदर इमाम खुमैनी थी। आपको बता दें कि हूती ने इसराइल के खिलाफ अपने चौथे और पांचवें चरण के हमलों का ऐलान किया था, और इसी कड़ी में उसने हाल ही में 6 इजरायली जहाजों को निशाना बनाया है। हूती ने लैक्स, मोरिया, सी लेडी, यूएस शिप एल्बा पर लाल सागर और मार्क्स हार्टफोर्ड पर अरब सागर और मिनर्वा एंटोनियो पर भूमध्य सागर में हमला किया है। आपको बता दें कि इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने कहा कि इन सभी जहाजों ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर लगे नेविगेशन के बैन का उल्लंघन किया था, इसलिए इन जहाजों पर हमला किया गया है। हूती का कहना है कि वो घोषित इलाके में किसी भी इजरायली जहाज को छोड़ेगा नहीं, भले ही उसे कहीं भी जाना हो। हूती पहले ही साफ कर चुका है कि पश्चिमी देशों का कोई भी जहाज अगर इजरायल या उसके कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ जाता है तो वो हूती का वैध टारगेट होगा, भले ही वो किसी भी देश का जहाज हो।